नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। दीपालपुर जनपद के ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत व जिला पंचायत के लिए जनप्रतिनिधि चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं, साथ ही वे मतदाताओं के साथ जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिला पंचायत की, तो यहां से भाजपा के दशरथ सिंह पटेल ने अपने वार्ड के अंतर्गत आने वाले गाँव का दौरा किया। वहीं कांग्रेस के छीतर सिंह पटेल के लिए विधायक विशाल पटेल ने शाहपुरा व आगरा के दर्जनों गाँव का दौरा किया। आपको बता दें कि दोनों ही जिला पंचायत के वार्ड अनारक्षित पुरुष के लिए आरक्षित हुए हैं, जिन पर दोनों ही दलों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में मतदाताओं से अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सुबह सभी में जिला पंचायत क्षेत्र का दौरा किया है, तो वहाँ देख रहा हूँ समस्याएं सामने आ रही हैं। कहीं प्रणालियाँ नहीं है, कहीं पर पानी की समस्याएं देख रहा हूँ, और कई नाराज़गियाँ कई पिछले जो रही हैं वो दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और हर मतदाता के पास पहुँचने की कोशिश में कर रहा हूँ। आपके वार्ड में कितने ऐसे गांव हैं जो आते हैं? मेरे वार्ड में 42 गांव हैं, बाकी कुछ कॉलोनियाँ हैं जो अलग अलग बसी हुई हैं। जो जीवन होती है अलग 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 में है। हमने 35 गाँव का दौरा कर चुके हैं और हर गाँव में हमको अच्छा बहुमत मिलता है। जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत उत्सुक हैं और बिल्कुल हमारे साथ हैं, सभी बोल रहे हैं और सभी अच्छा मत देने का बोल रहे हैं। त्रिस्तरीय और निकाय चुनाव को लेकर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने पूरे जिले में दौरा कर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पन्ना कलेक्टर पवई पहुंचे और शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय और तहसील कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने लोगों से शांतिपूर्ण मतदान करते हुए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस मौके पर SDM KS गौतम, तहसीलदार ज्योति राजपूत, CMO यशवंत वर्मा और CEO प्रसन्न चक्रवर्ती आदि अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत के चुनाव और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव के कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो आचार संहिता का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसका रिव्यू कर रहे हैं, तथा नगर परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं इनके नाम निर्देशन पत्रों का कार्य भी जारी है। दोनों चुनाव में स्ट्रांग रूम कहाँ बनेगा, मतगणना कहाँ होगी, मतदान सामग्री का वितरण कहाँ होगा और मतदान सामग्री वापस कहाँ से आएगी, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए समीक्षा के लिए आज मैं पवई में आया था। और स्ट्रांग रूम, जैसा आप लोगों को पता है, ये जो पंचायत चुनाव उनका स्ट्रांग रूम पवई पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनेगा, और नगर परिषद का जो चुनाव होगा इसका स्ट्रांग रूम और मतगणना का यहाँ तहसील कार्यालय से किया जाएगा। भोपाल से खंडवा तक ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल रेलवे इस रूट की ट्रेनों को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा होने पर इस रूट पर दोनों तरफ से चलने वाली 52 ट्रेनों के यात्रा समय में 30 से 45 मिनट की बचत होगी। वहीं रेल अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर तक इस योजना को पूरा करने की तैयारी है। ट्रायल सहित अन्य कार्य भी इसी अवधि में पूरे होंगे। बताने की जब 270 किलोमीटर लंबे सेक्शन के ट्रेन की औसत रफ्तार 110 से बढ़कर 130 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। वर्तमान में बरखेड़ा बुधनी सेक्शन के बीच 25 किलोमीटर का पहाड़ी व घाट सेक्शन में काम चल रहा है। ये काम अंतिम चरण में है। वहीं बारिश के बाद इस सेक्शन की टनल और पूरे रूट पर ट्रेनों की रफ्तार को 130 किलोमीटर प्रति घंटे कर लिया जाएगा। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर व्यापक स्तर पर आयोजन किए जाएंगे। इस संबंध में प्रमुख सचिव प्रतीक हजेला ने जिला कलेक्टरों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का प्रसारण भी किया जाएगा। बताने की सुबह 7 बजे से सामान्य योग अभ्यास किया जाएगा। वहीं प्रदेश के स्कूलों व महाविद्यालय, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत में भी सामूहिक रूप से योग दिवस का आयोजन किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के बैतूल में चुनाव के चलते पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। पुलिस वाहनों की चेकिंग कर बदमाशों पर पैनी नजर रखी जा रही है। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिस ने कुछ युवकों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस को 7 पिस्टल और जिंदा कारतूस मिले हैं। वहीं एसपी सीमाला प्रसाद ने खुलासा करते हुए बताया कि अलग अलग थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी दौरान 5 युवकों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 7 देसी पिस्टल और 14 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। ये अभी आचार संहिता के चलते लगातार पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, जो हमारे PHQ के भी निर्देश हैं उसके अनुरूप प्रत्येक सप्ताह हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। तो पिछले सप्ताह सभी थानों ने मिलकर कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसके तहत जो है 7 हमें पिस्टल्स मिली हैं और 14 जिंदा कारतूस जब्त किए गए हैं। 5 आरोपी हैं इसमें, जो अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं। इसमें से 3 थाना कोतवाली क्षेत्र के हैं, 1 थाना सारणी का है और 3 थाना मुलताई क्षेत्र के हैं। विधान परिषद सदस्य निर्वाचित होने के बाद सहारनपुर के देवबन पहुंचे, जहां राज्य मंत्री जसवंत सैनी ने कहा कि कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य में यूपी में कानून का राज रहेगा, इसीलिए कोई कानून के खिलाफ जाकर माहौल खराब करने की कोशिश न करे। इससे पहले देवबन पहुँचने पर कार्यकर्ता ने साफा पहना और उनका स्वागत किया। कानून हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। जो कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, हो भी रही है। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार चल रही है, कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर रहेगा। और कब मैंने कहा है, कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राज्य सरकार पर खाद उपलब्ध न कराने के आरोप पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि मैंने पहले भी कहा है कि विपक्षी दल केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने की हिम्मत दिखाए। राज्य सरकार को 13 लाख टन खाद मिलना है, जिसमें से केवल 38% खाद ही मिला है। प्रदेश में 9 सांसद हैं, जिनमें से 1 राज्यसभा से हैं। उनके साथ मिलकर रमन सिंह केंद्र सरकार से बात करें। अब पूरे देश में कांग्रेस जन आंदोलित हैं। आज जिस तरीके से कार्यवाही हमारे केंद्रीय कार्यालय में हुई है और जिस तरीके से हमारे सर्वमान्य नेता राहुल जी के खिलाफ लगातार ED परेशान करने की कार्यवाही कर रहा है, तो कल तो राजभवन हम लोग जाएंगे ज्ञापन देने, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो इसको बड़े आंदोलन का रूपरेखा इसके लिए तैयार किया जाएगा। शाजापुर में पेंशनर संघ ने जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर विरोध जताते हुए बताया कि लगातार पेंशनरों के साथ छलावा किया जा रहा है। 17% DA पेंशन धारक को दिया जा रहा है, जो कि गलत है। राज्य सरकार का पेंशन धारकों पर कोई ध्यान नहीं है। पेंशनर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार ने हमें बेबस कर दिया। यदि पेंशन धारकों का DA नहीं बढ़ाया गया तो आने वाले समय में पेंशनर संघ पूरा मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन करेंगे। पेंशनर संघ के साथ जो भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है शासन के द्वारा, 17% ही DA दिए जा रहा है पूरे पेंशनरों को, और एक तरफ आशीर्वाद दाता कहते हैं बुजुर्गों को, और बुजुर्गों के साथ ही अन्याय किया जा रहा है। इस भीषण महंगाई के दौर में उनका आर्थिक शोषण राज्य शासन के द्वारा किया जा रहा है। उसके है सर कि हम अभी तक चुपचाप बैठे हुए थे, इन्हीं लोगों ने हमको उसकाया और यहाँ तक ले आया। इसके बाद की तो कार्रवाई आप पूछने, पहले मैं बता दूँ, इसके बाद ऐसे कार्रवाई करेंगे हम कि पूरा प्रदेश एक जगह होकर इस मांग को मंगा के रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे पूरे अधिकारी जितने भी हैं सब मिलकर हम ये लागू करके रहेंगे। पेंशनर साथियों द्वारा एक दिवसीय ये धरना आंदोलन किया जा रहा है। हम अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। वर्ष 2019 से समय समय पर शासन द्वारा जो DA और राहत कोष की राशि स्वीकृत की गई, लेकिन कर्मचारी साथियों को तो वो स्वीकृत करके भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन पेंशनरों को उससे दूर रखा गया, उनके साथ भेदभाव किया गया। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में SDM के प्रयास के चलते सिकल सेल बीमारी ग्रस्त महिला का इलाज किया गया। दरअसल आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में
रहने वाली महिला सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी से ग्रस्त थी, जिनका आसपास के डॉक्टरों से इलाज करने से मना कर चुके थे, जिसके बाद समाज सेवी जीतू सोनी ने SDM से बीमार महिला के बारे में बात की, जिस पर SDM ने निजी अस्पताल को महिला का ऑपरेशन करने का आदेश दिया। ऑपरेशन होने के बाद फिलहाल महिला स्वस्थ है। ये दयाराम जो है मेरा बहुत पुराना दोस्त है, इसने समस्या बताई मुझे कि लाड़ी को ये तकलीफ है, तो मैंने कहा ठीक है, इतने सेठ पैसे है नहीं, क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने बात करी, फिर CMHO मैडम को फ़ोन लगाया, तो मैडम ने बताया कि सर के कि यहाँ ऑपरेशन नहीं होते के कि। फिर मैंने कहा कि मैडम आयुष्मान तो आयुष्मान भी काम नहीं करेगा कि किसी। फिर मैंने SDM साहब से बात करी, फिर SDM साहब ने कहा कि ठीक है सोनी जी यहाँ भेजो के कि अपन कराते। फिर मनोरमा में भेजा, यहाँ पर अस्पताल में ऑपरेशन हो गया है, ठीक है, स्वस्थ है। ये बोचादानी का तो सरकारी अस्पताल गए थे तो? हाँ। क्या हुआ वहाँ पे? वहाँ बोले कि बड़ोदान थे इंदौर। फिर क्या हुआ? फिर जीतू सोनी को बोला मैं, फिर ये 200,000 दिया, फिर बोले कि अपन SDM साहब के यहाँ गया, यहाँ भी आया था मैं, पहले भर्ती करा था यहाँ फोन, फिर उधर SDM साहब फोन लगाया कि भर्ती कर लो, ये पैसा भी नहीं है इसके पास, और इसका यहाँ इलाज करो तुम। फिर इलाज हो गया? इलाज हो गया, ऑपरेशन हॉस्पिटल लिए मनोराम। पैसे लगे आपको? नहीं, तो इलाज हो गया, अभी इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया कल। सिकल सेल की बीमारी और साथ में ब्लीडिंग हो रही थी, जो इसके लिए जानलेवा था, भयानक खून जा रहा था। आयुष्मान में आयुष्मान में केवल सिकल सेल का इलाज है, इसको चाहिए था बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन, जो कि आयुष्मान के अंतर्गत हमारे यहाँ नहीं आता। फिर SDM सर ने हमें कॉल करके बताया इसकी गरीबी वगैरह के बारे में, तो हमने इसके लिए सारी चीज़ें निःशुल्क करके इसका पूरा ऑपरेशन करवाया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान एक बिल्डर ने पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके निर्माण पर बुलडोजर पटवारी ने खुन्नस निकालने के लिए चलवाया है। शहर में और भी कई जगह अवैध निर्माण है, पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जबकि दुर्ग कलेक्टर के अनुसार शहर में लगातार केवल अवैध निर्माण के खिलाफ ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। SDM द्वारा अवगत कराया है कि उन्होंने कुछ इलीगल प्लॉटिंग के संबंध में कार्रवाई की है, तो इसके विस्तृत जानकारी नहीं है, परंतु जो भी हम लोग पिछले कुछ दिनों से अगर अवैध प्लॉटिंग होता है तो उसके खिलाफ निरंतर रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। विगत यहाँ कई वर्षों से प्लान हुआ, प्लॉटिंग हुआ है, और यहाँ जो एक TNC से बढ़कर है, जो 30 फीट 40 फीट 50 फीट रोड है, ये यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे मकान भी बन चुके हैं और मकान भी भर रहे हैं। यहाँ रंजिश बस है, आप सभी को बताना ये चाह रहा हूँ, इसमें 60 गांठ के साथ हो रहे हैं, जिसमें यहाँ का मौजा सिकोला आता है, कमलेश सिंह राजपूत उनकी पुत्री पटवारी है, और कमलेश सिंह राजपूत उनके अपसेन में 3 माह तक यहाँ पर कोई किसान को ना B1 देते थे, ना नकल देते थे, ना डिजिटल करते थे, इनके 60 गांठ से इतना बड़ा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध काम करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे मोटिवेट होकर रामपुर जिले में प्रशासनिक अधिकारियों ने अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी SP सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है, जिसके बाद उन्होंने बताया कि जिन सेंटरों पर कार्रवाई की गई वहाँ डॉक्टरों की जगह पर अनट्रेंड लोग काम कर रहे थे, जिसके बाद पर कार्रवाई की गई। एक मेट्रो सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर उसमें था टांडा में, ये दोनों सेंटर की सूचना मिल रही थी कि यहाँ पे जो चिकित्सक हैं वो काम न करके उनकी जगह पे कोई अनट्रेंड लोग काम कर रहे हैं। इसकी जगह पे हमने टीम बना के भेजा, आज हमारे जो नोडल अधिकारी थे इसके डॉक्टर वरुण कुमार सिंह, उनकी अध्यक्षता में एक टीम बना के भेजी, तो दोनों जगह पाया गया कि कोई भी डॉक्टर वहाँ पे है नहीं, अनटर्न लोग काम कर रहे हैं। दोनों सेंटर को सील कर दिया गया है और इनके निरस्तीकरण की कार्रवाई
हम पत्रावली तैयार कर रहे हैं जो जिलाधिकारी महोदय के सामने प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर जिले के रामगढ़ में आषाढ़ से प्रथम दिवस का दो दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। मान्यता है कि कालिदास के मेघदूत का मंचन करने से बारिश होती है और आषाढ़ का महीना शुरू हो जाता है। कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के पुरातत्व और संस्कृत मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि माना जाता है कि भगवान श्री राम वनवास इसी रास्ते से होकर गए थे। प्रदेश सरकार ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को सहेजने का काम कर रही है। आषाढ़ प्रथम दिवस में रामगढ़ में दो दिवसीय आयोजन होता है, जिसमें कालिदास जी के मेघदूत का यहाँ वाचन होता है, कवि सम्मेलन होता है, शोध पत्रक का यहाँ पर वाचन होता है और लोक कला का भी प्रदर्शन होता है। आज दूसरा दिन है और अंतिम दिन है और ऐसी मान्यता है कि जब यहाँ पर कालिदास जी के मेघदूत का यहाँ मंचन और उसका पाठन होता है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 5 करोड़ का गबन करने का मामला सामने आया है। बता दें कि गबन करने का आरोपी बैंक का कैशियर है, जिसने फर्जीवाड़ा कर कई अकाउंट खोले और गबन करता रहा, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस आरोपी के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। वहीं आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी बाहर है। राजेंद्रनगर थाना क्षेत्र में राजेंद्रनगर थाने में इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यूनियन बैंक जो प्रदर्शनी नगर में है उसके चीफ कैशियर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और लगभग 5 करोड़ रुपए की गबन का इसमें मामला है। इसमें अभी जो विवेचना में कुछ जानकारियां मिली है कि आरोपी ने 6-7 अलग अलग लोगों के नाम से बैंक खाते खुलवाए थे और उनको इनके एवज में कुछ पैसे भी दिया था उसके द्वारा, और उस खातों का उपयोग अपने नाम से वो अपने द्वारा किया जाता था उसके द्वारा, और इसमें अभी और विवेचना की जा रही है। विवेचना में सभी साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, उसके बाद इसमें आगे कार्रवाई की जाए। खबर दुर्ग से है, जहां लिफ्ट में महिला के दोनों पैर फंस गए, जिससे महिला की पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई। वहीं पीड़िता के बेटे सौरभ रंजन ने स्मृति नगर पुलिस चौकी में मामला दर्ज करवाया। आपको बता दें कि लिफ्ट पे तकनीकी खराबी के चलते उसका दरवाजा बंद नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। गए घूमने के लिए, वहाँ से लौट के हम लोग आए करीब 10:15। इसके बाद हम लोग सब अपने कार को पार्क करके लिफ्ट में घुसे हैं। हम मेरी वाइफ मेरा बच्चा घुसे ही थे और मम्मी घुस ही रही थी, इतने में लिफ्ट ऑटोमेटिकली चलने लगा। ना उसका ग्रिल लॉक हुआ है, ना कोई बटन दबा है, वो ऑटोमेटिकली चल पड़ा और रुका तो जाके फिफ्थ पे ही, क्योंकि वो समझ में नहीं आया कि वो चला कैसे, क्योंकि अभी तक लिफ्ट कभी भी वैसे नहीं चलता जब तक उसका पहला गेट और सेकेंड गेट जब तक दोनों गेट लगता नहीं है तब तक वो चलता नहीं है, चला ये हमें भी नहीं पता चला। अभी बिंदुओं पे भी जांच चल रही है, दोबारा उसका बयान लिया जाएगा, उसके पुत्र को भी बुलाया जाए, क्योंकि लिफ्ट सही था नहीं था इसकी रिपोर्ट जो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट देती है, उसकी टीम वहाँ पे आई हुई विस्तृत रिपोर्ट देगी, विस्तृत रिपोर्ट के ऊपर आगे कार्रवाई की जाए। पारिवारिक कलह और आपसी विवादों का निपटारा करने के लिए जांजगीर चांपा में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 36 प्रकरणों पर सुनवाई की गई और 5 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें एक व्यक्ति को अपनी पत्नी को हर महीने 10,000 रुपये खर्च देने को कहा गया है। आयोग सदस्य शशिकांता राठौर ने कहा कि अभी कई मामले निस्तारण के लिए बकाया हैं, जिनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। कैंसर पीड़ित वाली महिला के मामले में अभी चूंकि जो प्रकरण हमारे पास आया है उसमें थाने से वो प्रकरण नस्तीबद्ध कर दिया गया था और 155 का फैला दिया गया था, उसके बावजूद मुझे वो मामला थोड़ा संदिग्ध लगा था तो मैं उस केस को लेकर आई थी, तो आज हमने उसे एडिशनल SP तमर मैडम को दिया है कि वो उसकी पुनः जांच करे और ये फाइल हालिया सदस्य राठौर मैडम के पास रहेगी ताकि वो उसकी मॉनिटरिंग कर सकें और उस पर त्वरित निर्णय ले सकें और यदि जरूरत पड़ी तो ये प्रकरण रायपुर में सुनवाई के लिए रखा जाए। छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खोले जाएंगे, वहीं आज से बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी। वहीं राज्य के 6,536 स्कूल परिसर में जहां आंगनबाड़ी
संचालित हैं, वहां अब बालवाड़ी भी प्रारंभ की जाएगी। ये बालवाड़ी प्री स्कूल की तरह ही संचालित होंगी, जहां 5 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शैक्षणिक एवं खेल के माध्यम से शिक्षा मिलेगी। इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम से एमकेएन संवाददाता ने सीधी बातचीत की। छत्तीसगढ़ में कल से 16 जून से स्कूल खुलने वाली है। हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। कल से स्कूल खुलेंगे, किस तरह से तैयारी है स्कूल की? कल से स्कूल खुलेंगे, पूरी तैयारी हमारी है। स्कूलों की सफाई से लेकर तमाम चीज़ें की व्यवस्था की गई है और सभी को निर्देश दिया गया है कि कल से सब स्कूल को खोलेंगे। कल से गंदियाँ बनेगी, बच्चों का कलर होगा, लोग आपस में दोस्त लोगों से मिलेंगे। ये कही कि 2 साल बाद स्कूल में बच्चे आएंगे और खुलेंगे। 2 साल तक इसको पूरा बंद था, तो हम लोग ने तय किया कि जो नया सत्र शुरू हो रहा है 16 जून से, तो बच्चों की प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। जब राजगीत बना है छत्तीसगढ़ का, हम लोगों ने जितने शासकीय कार्यक्रम होते हैं उसके जो भी शासकीय कार्यक्रम हो उसमें अनिवार्य रूप से राजगीत बजता है, तो हम लोग ने तय किया है कि हर स्कूल में प्रार्थना के समय राजगीत का गायन हो, राष्ट्रगीत हो, उसके बाद संविधान की जो प्रस्तावना है वो पढ़ी जाए। आपने ठीक प्रश्न किया है कि स्कूल के साथ ही साथ बालवाड़ी का भी संचालन करेंगे। जहाँ पर प्राइमरी स्कूल और आंगनबाड़ी एक ही परिसर में है, ऐसे जगहों में चिन्हांकित किया गया है, वहाँ बालवाड़ी का संचालन होगा। लगभग 5,000 के से 5,500 करीब के लगभग करीब होगा। और वहाँ पर जो बच्चे 5 साल और 6 साल के बीच वाले जो बच्चे हैं उनको बालवाड़ी में पढ़ाया जाएगा। वहाँ पर इस सरकार अपनी व्यवस्था करेगी, सरकार की आप वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता है, तमाम चीज़ें करेगी, उनसे बात भी करेंगे। उनसे सफाई कर्मचारियों से क्या बात हुई? क्या अभी तो बात नहीं हुई है, लेकिन कोशिश करेंगे बात करने के लिए। ये थे स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। जैसा कि उन्होंने बताया कि कल से 16 जून से जो है स्कूल खुलेंगे, आंगन बालवाड़ी भी खुलेगी। 5,636 स्कूल परिसर में बालवाड़ी खोलने की तैयारी चल रही है और कल से घंटी स्कूल की बजने लगेगी। बच्चे स्कूल जाएंगे बैग पकड़कर और पढ़ाई शुरू कर देंगे, कल से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। और मंत्री ने यह भी कहा कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो निश्चित तौर से उनसे चर्चा की जाएगी। मैं चित्र पटेल, एम के न्यूज रायपुर। ग्वालियर में बीजेपी के मेयर पद को लेकर बैठकों का दौर लगातार जारी है, लेकिन पार्टी की तरफ से किसी भी नाम पर मुहर नहीं लग पाई है। वहीं संभागीय चयन समिति की बैठक में चले कई घंटों के मंथन के बाद भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। आपको बता दें कि भाजपा के संभागीय चयन समिति के संयोजक सांसद विवेक शेजलवारकर की मौजूदगी में जो बैठक आयोजित की गई उसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया व पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया, भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य सहित ग्वालियर चंबल अंचल के विधायक भी इस बैठक में शामिल हुए। स्वर व्यक्त किए, भावना में उनकी भावना में भावना और मैं कहता हूं कि बहुत अच्छी बैठक हुई, सबके समन्वय और सामंजस्य हुई और इसी प्रकार से ग्वालियर शहर की बैठक अब शुरू कर रहे हैं कोर कमेटी की। चुनाव में जीत का आधार होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। भारतीय जनता पार्टी भी जो व्यवस्था है उसी में निर्णय करके आगे बढ़ना चाहती है और सभी निर्णय आएंगे उसमें समझ में आएगी। लेकिन अब आप कहोगे विजयपुर की विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी को टिकट दिया, दिखाया कि सामाजिक समरसता भारतीय जनता पार्टी में कितनी रहती है। इमरती देवी अभी कह रही थी कि सामान्य की सीट पर सामान्य को देना चाहिए, हमारा मत है। अब मुझे पता नहीं, आपसे कहो। सीमावर्ती प्रदेशों की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर सरगुजा संजीव कुमार झा ने शांति समिति की बैठक आयोजित की। बैठक में सभी धर्मों के लोगों को जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने में योगदान देने के लिए कहा गया। बैठक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्मों के प्रमुख व जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान कलेक्टर ने सभी लोगों से शहर में शांति बनाए रखने की अपील की।
जिला शांति समिति की बैठक आज आहूत की गई थी, जिसमें एक समान रूप से जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के और पुलिस के आला अधिकारी, साथ में जो शांति समिति के हमारे सदस्य हैं, इसके अलावा विभिन्न धर्मों के से जुड़े हुए, संप्रदाय से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। और पूरे देश में और बाकी ऐसे जगह कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उससे घटनाओं के पुनरावृत्ति अपने यहाँ ना हो, इसके लिए हम लोगों ने बात किया और सभी जनता से एक सामुदायिक सहयोग की उनसे अपेक्षा किया। कोई ऐसी बात होती है तो इन्फॉर्मेशन शेयर करें हमारे साथ। छतरपुर नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए अब तक बिजली कंपनी ने 305 लोगों को नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किए हैं, जिसमें लगभग 3 लाख से अधिक की बकाया राशि जमा कराई जा चुकी है। वहीं बिजली कंपनी के जूनियर इंजीनियर के एन चतुर्वेदी ने बताया कि 1 जून से लगातार नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य किया जा रहा है और अभी तक 305 से अधिक उपभोक्ताओं के नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। नगर पालिका छतरपुर में कलेक्टर साहब के निर्देश पर हम लोगों ने अभी जो नो ड्यूज हम लोग जारी कर रहे हैं, उसमें जो प्रत्याशी हैं उनके जो भी बकाए हैं वो जमा कराया जा रहा है, चाहे उसमें संपत्ति कर हो, चाहे दुकान का किराया हो या अन्य किसी भी प्रकार से उनका नगर पालिका में जो भी टैक्स या प्रीमियम बाकी हो उसको जमा कराया जा रहा है। इसके अलावा उनके परिवारजनों के भी टैक्स को रिव्यू किया जा रहा है, ताकि कई बार प्रत्याशी महिला होने की स्थिति में और संपत्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम होने की स्थिति में भी उनका टैक्स बाकी रहता है, जिसको हम लोग पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और टैक्स जमा कराया जा रहा है और काफ़ी अच्छी वसूली भी इस दौरान प्राप्त हो रही है। छतरपुर शहर वितरण के अंतर्गत पंच, सरपंच और नगर पालिका ने कहा है कि पार्षदों की 305 नौकरी बनाई गई है, इनसे वितरण के शहर को 3,77,000 रुपये जमा हुए हैं, नोडी बन गए हैं। ये कब से भाई साहब, कब तक बनाए जा रहे हैं, तो क्या इनमें लिया जा रहा है आवेदन पत्र शपथ पत्र? नोडी प्रमाण पत्र 1 जून से बनाए जा रहे हैं और ये अभी मतलब जब तक ने कहा कि तारीख है 16 तारीख है तब तक बनाए जाएंगे। इसमें हम आवेदन का आई का आवेदन पत्र लेते हैं, बिजली का बिल जमा की रसीद और बिल लेते हैं, उनका एक हलफनामा लेती हैं कि हमारे ऊपर कोई बकाया नहीं है और अन्य कोई कनेक्शन नहीं। शाजापुर में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर नीलकंठ कॉलोनी रहवासी पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर आवेदन सौंपा। रहवासियों ने बताया कि पानी की सप्लाई पाइपलाइन 2 महीने से खराब पड़ी हुई है, ऐसे में कॉलोनी में लगातार पानी की समस्या बनी है। रहवासियों का कहना है कि नगर पालिका से टैंकर बुलाना पड़ता है। वहीं वार्ड वासियों की मांग है कि नल नहीं आए तो नल टैक्स 2 महीने का माफ किया जाए, साथ ही टैंकरों से पानी घर घर पहुंचाया जाए। इस पे 2 महीने से ऊपर लगभग 2.5 महीने होने आए हैं, पाइपलाइन टूटी जब से, फिर से इसका कोई निराकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते रहवासियों को पानी की परेशानी आ रही है और ये समस्या को हम कलेक्टर से लेकर सीओ तक सबको बता चुके हैं, लेकिन अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। आज नल आने का दिन था लेकिन आज भी नल नहीं आए, जिस प्रसाद से हमारा यही निवेदन है कि 2 महीने से नल नहीं आए तो एक तो नल कर हमारा माफ़ किया जाए, दूसरा हमारे घर पर सभी के लाइन से बिना किसी भेदभाव के नल घर घर डाले जाए टैंकरों से, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग भी हमारी कॉलोनी में जो पानी नहीं भर पाते हैं, वो टैंकर भी आते हैं, कभी कभी टैंकर भिजवाते हैं नगर पालिका वाले, लेकिन कुछ नेता लोग जैसे बैठे हुए हैं हमारे कॉलोनी में, वो पाइप ले जाके अपने अपने घरों में पानी भर रहे हैं, हम लोगों को पानी नहीं मिलता है। और जो भी बुजुर्ग इंसान है जिसके घर में कोई पानी भरने वाला नहीं है, वो टैंकर में से पानी कैसे भरेगा, बाल्टी कौन उठाएगा, कौन लाएगा, और जिसके घर में कोई भरने वाला नहीं है वो तो ऐसे ही फिर बिना पानी का कहाँ कहाँ से पानी लाए। और नगर पालिका वाले अभी फिर पैसा बढ़ा दिया नल का, 25 रुपये फिर बढ़ा दिया, और जबकि 15 दिन पानी देते हैं इसके बावजूद। एक तरफ जहां सीएम योगी अवैध खनन करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अधिकारियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने के फरमान जारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ खनन माफिया शासन प्रशासन की नाक के नीचे अवैध खनन कर रहे हैं। आलम यह है कि बालू से भरे डंपर बेखौफ मुख्य बाजार और थाने के सामने से निकल रहे हैं, पर प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
मंदसौर जिले की गांधी सागर पंचायत में 5000 से ज्यादा वोटर हैं जो कि सरपंच पद के लिए वोट देंगे। आपको बता दें कि इस बार खुदीराम विश्वास को बीजेपी की तरफ से मैदान में उतारा गया है, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता लोगों से वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए खुदीराम ने बताया कि गाँव का विकास करना और मूलभूत सुविधाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। जो अपने पूर्व सरपंच थी, बहुत शोषण किया हम लोगों को, ठीक है। और अभी फिलहाल हम हमारे गांव की ओर से, समस्त बंगाली परिवार की ओर से, मतलब हम भाई खुदीराम जी को पुनः सरपंच के लिए खड़ा कर रहे हैं। और आशा करता हूं कि ये जो हमारी समस्या है, ये मतलब करेंगे पूरा। मैं गांधी सागर ग्राम पंचायत के उम्मीदवार के रूप में इसलिए आया हूँ, गांव के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, विकास के लिए कुछ समय से परेशान थे। उन्होंने कहा कि खुदीराम, तुम्हारे पास अनुभव है, पिछले समय सरपंच थी तुम्हारी पत्नी, तो तुम आओ और गांव में कुछ काम जो आवश्यक है वो रह गए, उन्हें पूरा करवाओ। उसी कड़ी में मैं उनकी बातों पे भरोसा करके ग्राम गांधीसागर नंबर 3, गांधीसागर नंबर 8 के बंगाली कॉलोनी एवं बाजार सभी की सहमति से मैं आज उम्मीदवारी के लिए आया हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनको सब वोट देकर, मतलब सही से इसलिए जिताए क्योंकि वो कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने हमारी मदद की है, गांव में मदद की है, उस तरह से बहुत लोगों का दिल उन्होंने जीता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि उनको भारी मतों से वोट देकर विजय बनाए। प्रदेश में मानसून की एंट्री के लिए अब 2 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा, जबकि भोपाल में 19 से 20 जून तक मानसून पहुंचेगा। पहले गुरुवार यानी 16 जून तक इंदौर और जबलपुर संभाग के रास्ते मानसून की दस्तक का अनुमान लगाया गया था। मौसम विज्ञानियों की माने तो मध्य प्रदेश में अब मानसून की आमद 17 जून से 18 जून तक हो सकती है। इसकी मुख्य वजह अरब सागर ब्रांच का सक्रिय नहीं होना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ लगातार बने हुए हैं, हालांकि बंगाल की खाड़ी की ब्रांच अब काफी सक्रिय हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके न्यूज़। नमस्कार।